आज हम लोग जा रहे हैं पिलाटीस स्टूडियो। फर्स्ट एक्सरसाइज कर रही थी ना, आई वाज लाइक ओह माय गॉड आई एम गोना डाई। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं पिलाटीस स्टूडियो, मतलब एंड इट्स अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब 8 बजे हैं। इस टाइम पे आधी दुनिया उठ जाती है, लेकिन इट मेरे लिए अर्ली मॉर्निंग ही है। तो आज हम लोग सुबह सुबह जा रहे हैं पिलाटीस करने एंड मैं ऑलमोस्ट रेडी हो गई हूँ एंड टीना इज गेटिंग रेडी। हम दोनों सिस्टर जाएंगे बाहर, साथ में पिलाटीस करेंगे एंड हमें बहुत दर्द होगा। सो दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग। ये हम लोगों ने कल ही न्यू खरीदी है स्पोर्ट्स ब्रा फ्रॉम डीकैथलॉन एंड आई रियली लाइक इट। एंड ये ज़्यादा महंगी भी नहीं है, क्योंकि नाइकी वगैरह का तो महंगा होता है सामान। दिस इज़ फॉर आई थिंक 1500, विच इज़ फाइन एक्चुअली एंड क्वालिटी इज़ ऑल्सो गुड एंड द कैप एज वेल। ये भी मैंने डीकैथलॉन से ही लिया। आई एम यूजिंग दिस टू फेस्ड की लिप बाम एंड इसको ना मैं थोड़ा यहाँ यहाँ इनर लिप्स पर लगा लेती हूँ, थोड़ा उससे ऐसे प्लम लुक आता है। नाउ ऑल ओवर माई लिप्स मैं ये थोड़ा सा लिप ग्लॉस लगा लूँगी सो दैट माई लिप्स आर रेडी। मैंने अपनी आईब्रोज बनवाई नहीं है एंड वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो गई है, सो आई विल ट्राई, क्योंकि हम लोगों का सलून जो पिलाटिस स्टूडियो है उसके पास ही है। विल ट्राई, लेकिन इतनी सुबह सुबह खुलना भी तो चाहिए, नहीं तो मेरा प्लान है कि मैं आईब्रोज बनवा सकूँ। हमारा सेशन 9:30 स्टार्ट होएगा तो इट विल एंड अराउंड लाइक 10:30 आई थिंक खुल जाएगा सलून। परफ्यूम दिस इज़ फ्रॉम फेंटी। मेरे हाथ सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि मेरे हाथ तो बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी। इट्स लाइक कि डेजर्ट पता नहीं क्या ही होता है एंड फिर वो जब ड्राई हैंड होते हैं ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। लेट्स जस्ट फेस इट, ऐसे लगता है कि प्लीज कहीं से भी क्रीम मिल जाए और हाथों पर लगा ली जाए। बात तो सही है। चीक टेंट थोड़ा सा ब्रश पर ही पहले से बहुत प्रोडक्ट होता है वो लगा लेते हैं। दिस इज आवर ड्रेसिंग टेबल, इनमें भी बहुत सारा मेकअप है, परफ्यूम कलेक्शन, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, हम भी भूल जाते हैं कभी कभी। आर टीना जैन इज़ हियर एंड टीना के कपड़े न्यू हैं, शी इज़ डूइंग हर आईब्रोज, मस्त लग रहे हैं मस्त। दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम डीकैथलॉन। टीना कितना अच्छा है ना एंड इट्स नॉट वेरी कॉस्टली ऑल्सो है। मेरा स्पोर्ट्स ब्रा 1500 की है, सही है ना। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, हम दोनों ने कर लिया और अब जल्दी चल लेट हो रहे हैं। मेरा बैग ये मैंने लिया है यूनिक्रो से, मुझे 1 साल से ऊपर हो गया इसको लिया है एंड आई लव इट, इट इज़ सो कम्फी एंड सो स्पेशियस, स्पेशियस। इसमें मेरा ऑलमोस्ट सारा सामान आ जाता है एंड एक चाहिए मुझे ये ट्राइपॉड वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि हम जा रहे हैं पिलाते। वार्म अप करना है ना,
बहुत अच्छा लगा ना. एंड मैंने सलोन में कॉल करके पूछा कि आईब्रोज हो जाएंगी तो मैं जा रही हूँ पार्लर. पूरा सलोन खाली है एंड सिर्फ मैं और पायल है. पायल आईब्रोज करवा दी अपनी. See the difference? इंसान बन गई हूँ मैं अब. Yeah, absolutely. Wow. मैं usually यहीं पर आती हूँ eyebrows and nails के लिए. Brows check, workout check, चक्कर, कुड़ी दी उम्मीद चक्कर, नींद बंद करो हाथ जोड़ के मैं. I would say Pilates is totally worth it. मजा आया. It's like gym and yoga. दोनों का complete mixture जैसे है Pilates. And starting में जब मैं first exercise कर रही थी ना, I was like, oh my god, I'm gonna die. ये तो बहुत ही ज़्यादा intense है. And it felt like squats. एकदम quads में ही मुझे आ रहा था burn. एंड उसमें हम अपने लेवल्स इंटेंस भी कर सकते हैं. अभी हमारा फर्स्ट सेशन था तो बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं था और थैंक गॉड नहीं था. लिटरली मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि पिलाटीज बहुत इजी वीजी है. तो अब हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया है एंड हम लोग जाएंगे ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे. मतलब वीक में 3 days वील गो एंड 1 घंटे का पिलाटीज सेशन हम करेंगे. ठीक है. आर यू एक्साइटेड? यू लाइक्ड इट ना? मुझे तो बहुत मज़ा आया. मेरे लिए थोड़ा जिम से तो इजी ही था. आई मीन जिम में यू लिफ्ट मोर वेट्स एंड स्टफ. यार ये इजी तो था मेरे लिए. खैर उन्होंने आज हमें फुल बॉडी भी तो कराया. एग्जैक्टली. इसलिए भी इजी लगा. नहीं तो एक ही बॉडी पार्ट बार बार बर्न होता. इमेजिन. और मतलब ही वाज अ लिटिल लीनियंट ऑन अस टुडे क्योंकि हम लोग फर्स्ट डे है हमारा. वरना अभी हम जब नेक्स्ट सेशन जाएंगे ना, मुझे लगता है ही विल बी लाइक फुल ऑन. और अच्छे से मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है. अपनी फ्रेंड के घर आ गए हैं. मतलब उससे थोड़ा क्योंकि वो यहीं पास में ही रहती है तो हम उससे मिल गए हैं. आ गई हूँ मैं, गली में मुड़ रही हूँ. शी इज ऑन कॉल. अच्छा आ जा. मुझे थोड़ी सी भूख लग रही है. नहीं फ्रूट में. हाय साक्षी. हम लोग ब्लॉग बना रहे हैं एंड यू आर सेइंग हाय टू द ऑडियंस. आज हम गर्ली डे मना रहे हैं ना. गर्ली गर्ली मेरा हफ्ता है. हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं. क्या कहते हैं ये, हमने कभी ट्राई नहीं किया. कौन सा वो ये पास्ता स्ट्रीट भी खुला है यहाँ पे. तुम देखो बहुत बड़ा, बिल्कुल रेड लाइट पे. अच्छा मैंने शायद ध्यान नहीं दिया. गाड़ी बहुत बड़ा खुला हुआ है तो वहाँ चलें क्या? आई डोंट नो वो कैसा है. कैसे जैसा है कैसा है. Searching for a longer day. We are doing coffee tasting. Sakshi, kaisa tha? Isne pee li puri. My comment. That is. Hamari coffee yahan aaye. Bahut hi kadvi thi. Mujhe to kadvi lagi. Tina ko surprising. Mujhe achhi lagi. Birds chirping and I hear my name. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. यहाँ पे टीना और साक्षी ना पंजा लड़ा रहे हैं. ऑल ऑफ सडन पता नहीं. ओके टक्कर की वो है क्या बोलते हैं. 100% नॉट इवन 10%. ऊपर से ये और बोल दिया 10%. काफी मजा आया ना. साक्षी गई, साक्षी को हमने ड्रॉप कर दिया एंड वी हैड प्रोसो एंड एक कुछ पेस्टो सार्डो समथिंग एंड इट वाज गुड. इट वाज अ गुड मॉर्निंग. बहुत ही मजा आया आज तो. एंड डेफिनेटली पिलाटीज इज वर्थ इट. आप लोग कर सकते हो ट्राई. यू विल लव इट. इनफैक्ट उन लोगों के लिए जिनको अभी जिम इतना नहीं पसंद है उनके लिए भी सही है. हाँ
बट हाँ ये थोड़ा कॉस्टलियर है, कॉस्टलियर है हाँ। यहाँ के ही चार्जेस इनके एक मंथ के थे 8,000 समथिंग थे मेरे ख्याल से 15 सेशंस के। तो जिम से तो कॉस्टलियर है ये, बट अगर किसी को जिम पसंद ही नहीं है, कोई जाता ही नहीं है, तो फिर कुछ तो करेगा ही ना इंसान। तो यू कैन गो फॉर पिलाटेस या तो फिर पार्क जाओ। बट पार्क जाना इज सो बोरिंग, आई कांट एवर, जैसे लोग कहते हैं ना पार्क में जाके वॉक करो, आई कांट डू दैट। नहीं तो मैट पे योगा, वो भी बोरिंग ही लगता है मुझे तो। है तो ओके गाइस बाय। मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि मैं और अच्छे अच्छे व्लॉग्स लाती रहूँ आप लोगों के पास। एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये व्लॉग कैसा लगा। बाय। Nope.